कक्षा सात एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 6.2 त्रिभुज और उसके गुण। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इसके सभी सवाल करेंगे, तो आपको ये ध्यान से समझने हैं, बहुत ही आसान है। देखो क्या लिखा है। पहले सवाल में निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। आपको ये त्रिभुजों की आकृतियां दे रखी हैं, इसमें जो बाहर कोण बन रहा है, देखो ये वाला त्रिभुज है तो इसका बाहर कोण कौन सा, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। अब देखो त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है उसमें क्या गुण होता है। ये बेटा जो बाह्य कोण है ना, ये बाह्य कोण इस कोण के सामने वाले, इस कोण के सामने वाले ये दोनों कोण अंतः कोण, इनके योग के बराबर होता है। तो अगर आपको ये ज्ञात करना है तो इसका जो मान है वो इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। कैसे, देखो ध्यान देना इधर, मतलब ये कौन सा कोण है आपके बाह्य कोण, ये बाह्य कोण बराबर होगा, मतलब इसका मान बराबर होगा किसके, सम्मुख सम्मुख अंत कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है ना। देखो जैसे बाह्य कोण क्या है, यहाँ पर एक्स बराबर सम्मुख अंत कोण, इसके सामने अंत कोण, ये दोनों है मतलब 70 प्लस 50, ठीक है ना बेटा। तो एक्स बराबर, अब 70 में 50 जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। आगे समझ में, मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का, ठीक है। देखो ये वाला दूसरा, अब बेटा देखो इसमें बाह्य कोण यहाँ दे रखा है तो इस कोण का योग, इस कोण का मान किसके बराबर होगा, इसके सामने वाले दोनों अंत कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये सूत्र है, चाहे तो आप प्रत्येक सवाल में लिख सकते हो, मतलब बाह्य कोण बराबर किसके होता है, सम्मुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। अब बताओ बेटा बाह्य कोण यहाँ पर क्या है, एक्स, बताओ सम्मुख अंत कोण कौन कौन से हैं, ये दोनों 65 प्लस 45, तो एक्स बराबर, अब दोनों को जोड़ना है, 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, 1 और 4 5, 5 और 6 11, तो ये हो गया आपके 110 डिग्री, मतलब ये वाला कोण कितना आ जाएगा 110, ठीक है ना। अब देखो इसी प्रकार तीसरे वाले में सेम ऐसे ही, यहाँ पर बाह्य कोण कौन सा है, ये वाला। अब इसके सामने वाले दो अंत कोण, ये दोनों हैं, तो इसका जोड़ इन दोनों के जोड़, इसका मान इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, मतलब किसका, x का मान क्या होगा बेटा, 30 प्लस 40, तो x बराबर 30 और 40 कितना हो गया, ये हो गया आपके 70 डिग्री, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, आप चाहो तो प्रत्येक सवाल में सूत्र लिखो ताकि आपको सूत्र याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये वाला, अब यहाँ पर ये बाह्य कोण है, इसका मान इसके सामने वाले दो अंत कोणों के योग के बराबर होगा, मतलब x बराबर क्या होगा, 60 प्लस 60, तो x बराबर 60 और 60 कितना हो गया, ये हो गया 120, ठीक है। अब देखो पांच नंबर में भी ऐसा ही है, ये वाला बाहर है, बाह्य कोण है, अब इसके सम्मुख अंत कोण कौन से बेटा, ये दोनों है, तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा, मतलब x बराबर क्या होगा, 50 प्लस 50, तो x बराबर 50 और 50 कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब देखो छह नंबर भी ऐसा ही है, बाह्य कोण कौन सा है, ये वाला, अब इस बाह्य कोण के सम्मुख अंत कोण कौन कौन से हैं, ये दोनों हैं, तो इसका जोड़ x बराबर किसके बराबर होगा, 30 प्लस 60 के बराबर, तो x बराबर 30 और 60 कितना होता है, 90 होता है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है, ऐसे निकाल सकते हो आप। सवाल नंबर 2, निम्न आकृतियों में अज्ञात अंत कोण एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आकृतियां दे रखी है ना त्रिभुजों की, इसमें अंत कोण एक्स का मान ज्ञात करना है सभी आकृतियों में। अब देखो बेटा यहाँ पर सवाल नंबर 1 की तरह ही है, कि इसमें भी बाहर वाला कोण दे रखा है, ये बाह्य कोण, तो बाह्य कोण इस कोण का मान इन दोनों कोणों के जोड़ के क्या होता है, बराबर होता है, तो ये करेंगे सेम उसी की तरह, इन दोनों कोणों का जोड़ x का प्लस 50 का किसके बराबर होगा, 115 के बराबर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप कारण लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाह्य कोण, बाह्य कोण, ठीक है ना, या जो सूत्र लिखा था मैंने वो लिख लो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ आपको किसका मान ज्ञात करना है, x का,
तो 50 का उधर क्या करना पड़ेगा, स्थानपन मतलब पक्षांतरण करना पड़ेगा, उधर भेजना पड़ेगा। अब उधर भेजेंगे, ये यहाँ प्लस का है, उधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर 115 माइनस का 50, ठीक है बेटा। तो x बराबर, अब 115 में से 50 घटाओ, 5 में से 0 गया तो 5, अब 1 में से 5 नहीं घटा सकते, तो 11 में से 5 गया तो 6, तो x का मान कितना आ गया, ये आ गया आपके 65 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी सेम ऐसा है, इन दोनों कोणों का योग इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि बाह्य कोण है और बाह्य कोण के ये अंतर सम्मुख कोण है, तो इन दोनों कोणों का किसका, x का और 70 का योग किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। अब क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करना है, 70 को उधर भेज दो, प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर 100 माइनस 70, तो x बराबर 100 में से 70 बाकी करो रे, कितना आएगा, 100 में से 70 घटाएंगे तो आएगा 30 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना आ गया आपके, 30 डिग्री आ गया। अब इसी प्रकार ये वाला देखो, ध्यान देना इधर, ये वाला ज्ञात करना है, तो ये वाला बार वाला कोण है, तो इस कोण का जोड़, इस कोण का मान इसके सामने वाले इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। लेकिन देखो ये वाला कोण आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब भी त्रिभुज में ऐसा चिन्ह आ जाए कहीं पे भी ऐसा, ठीक है ना, दोनों तरफ से ऐसे बराबर ऐसा, तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री, समकोण होता है, ठीक है ना, कितना होता है बेटा, समकोण। तो इन दोनों कोणों का जोड़ इस कोण के बराबर होगा, मतलब x का और 90 का जोड़ किसके बराबर होगा, 125 के बराबर होगा। अब देखो यहाँ x का मान ज्ञात करना है बेटा, 90 को उधर भेज दो, प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, तो x बराबर 125 माइनस 90, x बराबर 125 में से 90 कटाओ, 5 में से 0 कटाया तो 0, अब 2 में से 9 कटा सकते हैं क्या, नहीं, तो 12 में से 9 गया तो 3, 5 में से 0 गया तो 5 ही बचेगा ना, बाकी सही से करनी है, देखो 5 में से 0 गया तो 5, अब 12 में से 9 गया तो 3, तो आ जाएगा आपके कितना, 35 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार ये वाला है, ये बाह्य कोण है और इसके ये दोनों सम्मुख अंतः कोण है, तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा, मतलब x प्लस 60 का जोड़ किसके बराबर होगा, 120 के। यहाँ हमें x का मान ज्ञात करना है, 60 को उधर भेज देंगे, यहाँ 60 प्लस का है तो उधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर 120 माइनस का 60, x बराबर 120 में से 60 बाकी करो बेटा, तो कितना बचेगा, 60 ही बचेगा, ठीक है ना। अब देखो ये 5 नंबर, यहाँ भी देखो x का मान ज्ञात करना है, तो ये बाह्य कोण है और इसके सामने ये दोनों अंतः कोण है, तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा, मतलब x प्लस 30 किसके बराबर होगा, 80 के बराबर। x का मान ज्ञात करना है तो 30 को उधर भेज दो, 30 यहाँ प्लस का है तो उधर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर 80 माइनस 30, तो x बराबर बताओ बेटा 80 में से 30 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे आपके 50, ठीक है ना। अब देखो ये वाला, यहाँ भी आपके सेम ऐसा ही है, ठीक है ना, यहाँ आपके 75 डिग्री है, ठीक है ना, ये वाला देखो, ये बाह्य कोण है और ये दोनों इसके अंतः कोण है, तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा, किसका, x प्लस 35 किसके बराबर होगा, 75 के बराबर होगा। x का मान ज्ञात करना है, 75 को उधर, 35 को उधर भेज दो, 35 प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 75 माइनस 35, तो x बराबर 5 में से 5 घटाया तो 0, 7 में से 3 घटाया तो 4, तो आ जाएगा आपके 40 डिग्री। तो आ गया समझ में, सभी सवाल एक जैसे थे, बार बार आप अभ्यास करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये जो बाह्य कोण वाला गुण है ना, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, उतारो।